और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाया रहने वाला है। पंजाब के कई भागों में आज और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 4 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोमवार तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान जाहिर कर दिया है। लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर वाहन चलाते हुए। जो तस्वीरें सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की यहाँ पर जो अनुमान है वो जाहिर किया गया है। कोमल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई है। कोमल, वहां तो बर्फबारी वाली स्थिति है, चूंकि अब घना कोहरा यहां तक आ गया है तो वहां पर तो और ज्यादा विजिबिलिटी कम होगी। जरा तस्वीर भी आप दिखाइए और मौसम विभाग का क्या कहना है ये भी बताइए। आने वाले जो 8 दिन है वो बेहद जो है वो धुंध और कोहरा पड़ने वाले। आप देखिए धुंध पड़ी हुई है और अभी हम लोग जैसे कि रोशनी होने वाली है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम खड़े हैं। गाड़ियों की आप गति देखिए कितनी कम हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो गाड़ियों की गति होती है बेहद तेज होती है, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियाँ बहुत धीरे चल रही हैं। हालांकि यहाँ से आप थोड़ी दूरी अगर क्रॉस करेंगे रामबन बनिहाल जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचेंगे तो बर्फबारी भी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि 31 दिसंबर है, माँ वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत पर भी आज बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में अभी जहां एक तरफ इस समय रोशनी होने की संभावना होती है, वहां पर आप तस्वीरों में देखिए कितना घना अंधेरा छाया हुआ है और कोहरे की जो ओस है वो भी हमारे ऊपर गिर रही है। स्क्रीन पे भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर घना कोहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि समय आप देखिए तो दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा। गाड़ियां जो आ रही है उनकी गति भी बेहद धीमी है। तो जाहिर सी बात है कि जब जम्मू कश्मीर में खासकर जब बर्फबारी होती है या फिर घना कोहरा चाहता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी थम सी जाती है और ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है तो जम्मू में लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं और कश्मीर में भी लोग स्टक कर जाते हैं। क्योंकि अब नए साल का जश्न भी हम देख रहे हैं, आज से पूरे देश के अलग अलग कोनों में लोग भी पहुंच रहे हैं और जम्मू में बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। तो क्या अब ऐसे में जब मौसम भी बहुत ठीक नहीं है तो कोई विशेष गाइडलाइंस उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए सबसे पहली गाइडलाइन ठंड की तो है कि आपने अपनी गाड़ियों का जो है वो ध्यान रखना है क्योंकि अभी जो कश्मीर में बर्फ पड़ जाती है तो ऐसे में बर्फबारी इलाके में हर कोई गाड़ी पहाड़ी इलाके में बर्फबारी इलाके में नहीं जा सकती। तो गाड़ियों के टायरों में चेन डलवानी है, वो रास्ते में अवेलेबल होगी है, शूज आपने किस तरीके के डालने हैं, किस तरीके के कपड़े डाल के आपने आना। लेकिन मेन एडवाइजरी यहाँ पर ये है कि चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले, क्योंकि 31 दिसंबर है, आज बहुत सी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, ठंड भी बहुत ज्यादा, लेकिन मास्क के बिना कोई भी यात्रा जो है वो यात्री ये तमाम गाइडलाइंस है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे नए साल के जश्न में कोमल आप नजर बना के रखेगा, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन सिर्फ जम्मू में ही नहीं जहां की तस्वीर इस वक्त हमारी सहयोगी कोमल दिखा रही थी, बल्कि दिल्ली में भी ठंड और कोहरे का दोहरा कहर इस वक्त जारी है जिसका हवाई और रेल सफर पर भी असर पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं जिससे हवाई सफर करने वाले यात्री बहुत ज्यादा परेशान नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली आने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्री बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण कोहरा ही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर में आप देखेंगे उड़ानों पर भी असर पड़ा है, कई सारे जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें कोहरे के चलते इससे पहले हमने देखा रद्द भी किया गया, लेकिन यही जो असर है वो ट्रेन पर भी दिख रहा है। ट्रेन भी कई सारी ऐसी हैं जो कई घंटे देरी से चल रही हैं, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं इंतजार करें और बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दिए। दिल्ली से सुजानगढ़ आ रहा था और बारमार सुपर एक्सप्रेस, ये 14 से 15 घंटे डिले है कोहरे की वजह से। बहुत ठंड है यहाँ पर और बहुत वेटिंग करना पड़ रहा है हम लोग को यहाँ पर। मुझे हिमाचल जाना था जी, और उसके बारे में भी कुछ पता नहीं, ट्रेन शो नहीं कर रहा अभी। हिमाचल एक्सप्रेस है अभी तो, मतलब उसकी 9 बजे कुछ मिनट दिखा रहा था, मतलब उसकी मतलब मोबाइल पे शो कर रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।